1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास सेंट्रल बैंक के कुछ कुछ काम जैसे कि बैंकर टू द गवर्नमेंट, डेट मैनेजमेंट रहे, लेकिन इशुएंस ऑफ द करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बाद में 1955 में बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक कमर्शियल बैंक था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारत सरकार ही बोलेंगे उसको, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम इशुएंस ऑफ करेंसी अपने पास रखेंगे। तो पार्शियल रूप से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास सेंट्रल बैंकिंग काम थे। और वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो 1920 के दशक की शुरुआत में ग्लोबल लेवल पर बात होने लगी कि हर देश में एक अलग सेंट्रल बैंक होना चाहिए। वेरी वेलकम टू एग्जाम बी फॉर 50% फास्टर प्रिपरेशन ऑफ योर जॉब। मेरा नाम है चंद्र प्रकाश जोशी और इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं आरबीआई से जुड़ी हुई किस्से, कहानियां, पढ़ी हुई बातें, सुनी हुई बातें। द एम इज टू डिमिस्टिफाई द वर्किंग ऑफ आरबीआई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आरबीआई की तैयारी करते हुए आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि जब आरबीआई नहीं था उससे पहले भी तो बैंक थे, उससे पहले भी तो सरकार थी, उससे पहले भी तो नोट थे, तो ये सब काम कौन करता था जो आज आरबीआई करता है। शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नाम है वो तो 1955 में एसबीआई हुआ, उससे पहले वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया होता था। लेकिन कुछ हद तक आप सही सोच रहे हो, कुछ सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस एसबीआई यानी कि उस समय के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास थे जो 1921 में एस्टेब्लिश हुआ था। बट आज के वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ आरबीआई एस्टेब्लिश कैसे हुआ, कहाँ से ये जरूरत महसूस हुई कि हमको एक सेपरेट सेंट्रल बैंक होना चाहिए देश में। और इस पे बहुत लंबा डिस्कशन हुआ। हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट आ गई थी 1926 में और आरबीआई जाके एस्टेब्लिश हुआ है 1935 में। 9 साल तक करके रहे थे लोग। हिल्टन यंग कमीशन की रिपोर्ट के बाद जनवरी 1927 में पहली बार लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस किया गया आरबीआई को एस्टेब्लिश करने के लिए, लेकिन उसको भी पास होते होते 1934 हो गया, 7 साल लग गए। और इसके पीछे कारण है इंडिया के बैंकिंग इतिहास का। ब्रीफली समझते हैं और मैं आपको बता दूं इसमें से कई सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम पर्पस से भी आ जाएंगे। जैसे कि अगर इंडिया के बैंकिंग इतिहास की बात करते हैं तो इंडिया में पहला बैंक कौन सा था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770। उसके बाद भी ब्रिटिश राज्य में बहुत सारे बैंक एस्टेब्लिश किए गए और बहुत सारे उसमें फेल भी हुए। जो वर्ड सेंट्रल बैंक है वो कहां से शुरू हुआ इसका तो नहीं पता, लेकिन जब सेंट्रल बैंकिंग की बात होने लगी तो दो इम्पोर्टेंट काम जो माने गए सेंट्रल बैंक के, एक है नोट इशू करना और दूसरा सरकार का बैंक होना, बैंक टू द गवर्नमेंट। ऑफ कोर्स आरबीआई के पास आज दोनों हैं और उसके अलावा भी बहुत कुछ है। बहुत सारी कंट्रीज में क्या हुआ, जो वहां पे बड़े कमर्शियल बैंक थे उन कमर्शियल बैंकों को कुछ इसमें से कुछ फंक्शन दे दिए गए, लेकिन जिन बैंकों को वो अथॉरिटी मिल गई नोट इशू करने की ऑफ कोर्स वो ज्यादा पावरफुल बन गए। अब अगर इंडिया की बात करें तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान 1770 में बना, तो 1773 में ही वॉरेन हेस्टिंग जो है उस समय इंडिया के गवर्नर जनरल थे, उस समय एक्चुअली वो बंगाल के गवर्नर कहलाते थे और उसमें बंगाल और बिहार ही मेजर पार्ट होता था ब्रिटिश हुकूमत का, उन्होंने एक जनरल बैंक ऑफ बंगाल एंड बिहार जो सेंट्रल बैंकिंग जैसा काम करेगा उसका प्रपोजल लाए थे, एस्टेब्लिश भी किया और थोड़े दिनों बाद वो बैंक खत्म भी हो गया। फिर उसके बाद 1807-8 में रॉबर्ट रिकार्ड्स जो बॉम्बे गवर्नमेंट के एक मेंबर होते थे, उन्होंने एक जनरल बैंक लाने का प्रपोजल रखा जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी ने मना कर दिया। और ये आइडिया बस ही था जैसे कि ये सेंट्रल बैंक टाइप काम करेगा। इसी तरीके से जब आते आते 1836 में जो ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन्होंने एक प्रपोजल रखा ग्रेट बैंकिंग एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडिया, जो इस तरीके के सेंट्रल बैंकिंग के काम करेगा, बट वो भी आगे फ्लोट नहीं हो पाया आइडिया। और इसी बीच जो अपने यहाँ प्रेसिडेंसी बैंक काम कर रहे थे 1806, कई बार ये क्वेश्चन आ सकता है, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल और उसके बाद एस्टेब्लिश हुआ दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे। उसमें ये तीन बड़े शहर थे कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास, जिसको आज चेन्नई बोलते हैं, और बॉम्बे को भी आज मुंबई बोलते हैं। तो बैंक ऑफ बॉम्बे 1940 और बैंक ऑफ मद्रास 1943 में एस्टेब्लिश हुआ। बैंक ऑफ बॉम्बे में बहुत सारी प्रॉब्लम भी हुई, कई बार ये बैंक पे रन ऑन द बैंक बोलते हैं ना वो हुआ, लेकिन गवर्नमेंट उसको सपोर्ट करती रही। इन तीनों बैंकों को अपने अपने एरिया में नोट इशू करने के राइट्स थे, सेंट्रल बैंकिंग टाइप काम कर रहे थे। अब बहुत बार इन तीनों बैंकों के मर्जर की बात हुई, कई बार प्रपोजल बैंक के अंदर से आया, कई बार गवर्नमेंट की ओर से आया, बट टलता रहा किन्हीं किन्हीं कारणों से। आपने नाम सुना होगा जॉन मेनार्ड कीन्स का, अगर नहीं सुना है तो भी सुन लीजिए, बिकॉज कीन्स थ्योरी की बात हमेशा होगी जब भी मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात होगी।
ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, तो उन्होंने भी यहाँ पे प्रपोजल रखा कि इंडिया में एक स्टेट बैंक होना चाहिए। 1913 में उन्होंने प्रपोजल रखा और ये बोला कि ये कॉमर्शियल बैंक और सेंट्रल बैंकिंग दोनों जैसे काम कर लेगा, जैसा कई देशों में हो रहा था। उस समय हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ओवरऑल इकोनॉमी की हालत खराब हुई और बैंकों की भी हालत खराब हुई, तो इसलिए मजबूरन 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के एक बना दिया गया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। दिस ईयर ऑल्सो यू शैल रिमेम्बर, अभी आरबीआई शुरुआत नहीं हुआ है, बट सेंट्रल बैंकिंग के काम इनके पास चल रहे, इसलिए हम यहाँ जिक्र कर रहे हैं। 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास सेंट्रल बैंक के कुछ कुछ काम जैसे कि बैंकर टू द गवर्नमेंट, डेट मैनेजमेंट रहे, लेकिन इशुएंस ऑफ द करेंसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास ले लिया कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो बाद में 1955 में बन गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो एक कमर्शियल बैंक था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट, भारत सरकार ही बोलेंगे उसको, इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि हम इशुएंस ऑफ करेंसी अपने पास रखेंगे। तो पार्शियल रूप से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के पास सेंट्रल बैंकिंग काम थे। और वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो 1920 के दशक की शुरुआत में ग्लोबल लेवल पर बात होने लगी कि हर देश में एक अलग सेंट्रल बैंक होना चाहिए, 1920 में पहली इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हुई ब्रसेल्स में, वहां पर यह प्रस्ताव पारित किया गया कि देशों को बनाने चाहिए अलग सेंट्रल बैंक, क्योंकि कमर्शियल बैंकिंग और उसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है और गवर्नमेंट के साथ भी इस काम का कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद जब 1922 में वो कॉन्फ्रेंस हुई, वहां पर यह प्रस्ताव फिर से रिपीट किया गया जिनेवा में, और अगले 3-4 सालों के अंदर कई देशों ने जैसे साउथ अफ्रीका, पोलैंड, हंगरी, कोलंबिया वगैरह ने अपने अलग सेंट्रल बैंक एस्टेब्लिश कर लिए। इंडिया के ऊपर भी प्रेशर था, तो फाइनली हिल्टन यंग कमीशन की एस्टेब्लिशमेंट हुई 1925 में। और आरबीआई के एग्जाम के लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हिल्टन यंग कमीशन, कि इसने आरबीआई को शुरू करने की नींव रखी। 1926 में कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी, पूरी डिटेल्ड रिपोर्ट, बैंक कैसा होना चाहिए, शेयर कैपिटल 5 करोड़ होनी चाहिए, और उन्होंने ये भी बोला क्योंकि ये इंपीरियल बैंक के कई सारे काम ले लेगा, तो इसकी जो शेयर कैपिटल है वो जो इंपीरियल बैंक के स्टेक होल्डर्स हैं, पहला ऑप्शन उनको मिलना चाहिए कि वो यहाँ पर शेयर होल्डर बने। और उन्होंने यही बात करी थी कि ये एक प्राइवेट स्टेक होल्डर बैंक होना चाहिए, क्योंकि अगर ये गवर्नमेंट स्टेक होल्डर होएगा तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, गवर्नमेंट इसको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करेगी, जिसकी बात मैं बहुत सारे वीडियोज में आपको बताता रहता हूँ कि क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। बट दिस वाज नोन टू द कमीशन इवन बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द आरबीआई, यही कारण था जिसके लिए अलग केंद्रीय बैंक की स्थापना की जा रही थी। हिल्टन यंग कमीशन ने यह भी बोला कि बैंक का नाम होगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये प्रश्न आ जाता है कि भाई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं रखा, उसमें ऑलरेडी एक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कमर्शियल बैंक जैसे काम कर रहा था, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये स्टेट ओन्ड तो था नहीं। मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है कि इनिशियली आरबीआई वाज़ ए प्राइवेट बैंक, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप देख लीजिए, नहीं तो उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना होगा, यू राइट इन द कमेंट। अब 1926 में कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद 1927 में लेजिस्लेशन भी लाया गया, बिल लाया गया रिजर्व बैंक बनाने के लिए, वहां से भी 7 साल लग गए इसको पास होने में। दो कंटेंशन थे, झगड़े की जड़ थी दो, पहला तो बैंक की ओनरशिप कैसी हो, और दूसरा बैंक का गवर्नेंस कैसा हो, कौन अपॉइंट करेगा कि बैंक में जो टॉप एग्जीक्यूटिव होंगे, गवर्नर्स होंगे, डिप्टी गवर्नर्स होंगे, उनकी नियुक्ति कौन करेगा। और उसके अलावा एक तीसरा व्यू भी था जिसपे कई सालों तक बहस होती रही कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही सेंट्रल बैंक क्यों नहीं बनाया जाए, अगर वो हो गया होता तो आज SBI ही देश का सेंट्रल बैंकिंग का काम कर रहा होता। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने बहुत बार फील किया है, बिकॉज बहुत सारे इंस्पेक्शन हमने SBI में किए थे, और SBI क्योंकि देश के सेंट्रल बैंक के जैसे काम करता था, इनिशियली जब RBI शुरू हुआ था तो RBI के ऑफिसर्स भी SBI के अंदर से काम करते थे, तो SBI के अंदर वो फीलिंग तो है कि वो पुराने बैंक हैं, वो स्ट्रांग हैं, और कहीं ना कहीं RBI उनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम ले गया। दोस्तों बुरा मत माना जो SBI में काम करते हैं, बट वो दर्द तो दिखता है और शायद सही भी है। भले से ही उस समय गवर्नमेंट के पास नोट इश्यूएंस और फॉरेन एक्सचेंज वो इंपीरियल बैंक को नहीं दिए गए थे, बट मेजरली बाकी बैंकिंग काम तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही कर रहा था। आप इतना डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है ये समझ लीजिए, हिल्टन यंग कमीशन के एक मेंबर थे सर पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास, उन्होंने रिटर्न में अपनी डिसेंट लिखी है रिपोर्ट में कि मैं एग्री नहीं करता हूं अलग से रिजर्व बैंक बनाने के लिए, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जैसे कि फ्रांस में बैंक ऑफ फ्रांस को दिया जा रहा है, उसी तरीके से इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को जो कॉमर्शियल बैंक है उसको साथ साथ सेंट्रल बैंकिंग काम भी करने चाहिए। और रिजर्व बैंक की हिस्ट्री में तो ये बात भी लिखी हुई है कि जेम्स टेलर जो बाद में रिजर्व बैंक के सेकेंड गवर्नर रहे आफ्टर ओसबॉर्न स्मिथ, ये नाम भी आपको इम्पोर्टेंटली याद होने चाहिए, जेम्स टेलर ने भी इस बात का अपोज किया था कि एक अलग सेंट्रल बैंक होना चाहिए।
वो पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास जी की बात से सहमत थे। वो भी चाहते थे कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को ही देश का केंद्रीय बैंक बनाया जाए। अब जहां तक धीरे धीरे ये कंसेंसस बन रहा था कि बैंक की ओनरशिप तो प्राइवेट हाथों में होना चाहिए जिससे कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ना रहे, लेकिन इस बात पे कंसेंसस नहीं बन पा रहा था कि जो बैंक का टॉप गवर्नेंस है, जो मैनेजमेंट है, उसको कौन नियुक्त करेगा। उसमें तीन पार्टियों के नाम हो रहे थे, एक चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सेकेंड भारत सरकार और थर्ड लेजिस्लेचर। तो 1927 में फाइनेंस मेंबर ने बिल पेश किया, इस पे बहुत बहस हुई, बहुत सारे डिस्कशन हुए जिसको यहाँ पर डिस्कस करके हम और टाइम नहीं लगाते हैं, क्योंकि आर्गुमेंट, काउंटर आर्गुमेंट, फाइनेंस मेंबर मतलब समझ लीजिए आज के फाइनेंस मिनिस्टर, और सर बासिल जो थे, जो फाइनेंस मेंबर थे, उन्होंने भी इस बात के लिए एग्री किया कि ऐसा कैसे हो पाएगा, अगर गवर्नमेंट उसमें शेयर होल्डिंग ले रही है तो इंडिपेंडेंस कैसे आएगी। तो वी एग्री कि इसकी शेयर होल्डिंग प्राइवेट में चली जाए। लेकिन जहां तक बात होती है अपॉइंटमेंट की, गवर्नर्स, डिप्टी गवर्नर, सीनियर एग्जीक्यूटिव की, तो हम वो चीज सरकार के पास रखना चाहते हैं, अपने पास रखना चाहते हैं, नौ की लेजिस्लेटिव के पास। उसके बाद जब मामला सॉल्व नहीं हो पाया तो बिल को फिर से 1928 में रखा गया, कुछ कुछ सुधारों के साथ बहस चलती रही और उसमें फिर से कुछ सुधार किए गए, 1933 में रखा गया और फाइनली 6 मार्च 1934 को ये एक्ट पास हो गया और 1 अप्रैल 1935 से आरबीआई ने काम करना शुरू कर दिया। शेयर होल्डिंग बनी प्राइवेट मेंबर्स की और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स एंड डिप्टी गवर्नर्स गया भारत सरकार के पास। अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या आज भी आरबीआई प्राइवेट बैंक है, ऐसा नहीं है। कब ये चेंज हुआ आपको शायद मालूम होगा, आप कमेंट में लिख सकते हैं। दोस्तों मेरा ऑब्जेक्टिव है इस तरीके की आरबीआई की स्टोरी सुना के आपको आरबीआई के बारे में अधिक से अधिक जानकार करना। अगर आपको ये स्टोरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी एट एग्जाम्बी हेल्प यू टू अनफोल्ड योर पोटेंशियल टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।